माँ दुर्गा जी की नवमी शक्ति का नाम माता सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। पूर्णिष्ठा और शास्त्रीय विधि विधान से ही माता की पूजा उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। भावी वित्त चैनल आप सबका अभिनंदन करता है। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर कर आप सभी इसी तरह हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। दुर्गा पूजा के नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। स्वयं भगवान शिव जी ने भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी। माता की अनुकंपा से शिव जी का आधा शरीर शक्ति रूप हुआ था। इस रूप में माँ जगत जननी के साथ शिव जी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माता को प्रसन्न करने के लिए माता सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेरम रेरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, अर्थात सिद्ध पुरुष गंधर्व यक्ष आदि जिनकी पूजा करते हैं, देवताओं के द्वारा भी जिनकी पूजा होती है, ऐसी सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री देवी हम सब पर कृपा करें। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। जगत के कल्याण के लिए माता ने यह स्वरूप धारण किया था। माँ सिद्धिदात्री की चार भुजाएं हैं। माता दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माता के दाहिनी तरफ के ही नीचे वाले हाथ में चक्र शोभायमान है। माता बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। माँ का वाहन सिंह है। माता कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। माँ की कृपा से भक्तों का हृदय कमल पुष्प की ही भांति कोमल और निर्मल बनता है और बृहद कमल पुष्प के सदृश ही उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धियाँ 8 प्रकार की हैं। ये अष्ट सिद्धियाँ हैं अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसिप्त और वसित्व। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में सिद्धियों की संख्या 18 बताई गई है जो इस प्रकार हैं अणिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा इसिप्त वसित्व सर्वकामा वसायिता सर्वज्ञत्व दूर श्रवण परकाय प्रवेशन वाक सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य अमरत्व सर्वन्यायकत्व भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भक्तों और साधकों को ये समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत दुख रूपी संसार से निर्लिप्त रहकर वह सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को आंवले का भोग लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए माता को अनार अर्पित करना चाहिए। इस दिन माँ को हलवा पूड़ी खीर काले चने आदि का भी भोग लगाया जाता है। भक्त और साधक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 8 रूपों की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान से करते हैं और वे दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए माता की इन स्त्रोत मंत्रों द्वारा स्तुति करनी चाहिए। कंचनाभाम शंख चक्र गदाधराम मुक्तोज्वलाम इसमेर मुखी से पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पटाम्बर परिधानाम नानालंकार भूषिताम नलिन स्थिता नलिनाक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते विश्वकर्त्रीं विश्वभर्त्रीं विश्वहर्त्रीं विश्वप्रीता विश्वार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते मुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी
भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री रिद्धिदात्री नमोस्तुते। जो भी भक्त माँ माता के नौ रूपों की पूजा उपासना पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा भाव से करता है, माता उसका कल्याण करती है। माँ दुर्गा की अनुकंपा से उसे परम पद की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। वह देवी गुणों से पूर्णतः संपन्न हो मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। परम पद को प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे अन्य किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह जाती। ओम सिद्धिदात्री देवे नमः।